के इलेक्ट्रिक बेलगाम, अवामी शिकायत, सियासी जमातों के एहतजाज और नेपरा की अवामी समाज का भी कोई असर ना हुआ। कराची में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार, अक्सर इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरियों का बुरा हाल, कारोबार ठप होने पर ताजरों की भी दुहाइयां। लाहौर में आटे की किल्लत बरकरार, शहर में 2,50,000 थैलों की तलब, 125,000 थैलों की सप्लाई, चक्कियों पर भी आटा 65 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में कोरोना का वार, 24 घंटे में मजीद 65 जां बाग, 2,752 नए केस भी सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5,123 हो गयी, मुतासरा अफराद की तादाद 2,46,251 तक पहुंच गई, 1,53,134 अफराद सेहत याब हो चुके। कोरोना में कमी के बाद तालीमी सरगर्मियों की बहाली, मुल्क भर में विफाकुल मदारिस के जेर तमाम इम्तहान शुरू, मसाजिद के हॉल इम्तहानी सेंटर बना दिए गए, 4,20,000 उम्मीदवार, हर तालबे इल्म में 6 फुट का फासला। राणा सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, लाहौर की एएनएफ कोर्ट ने राणा सनाउल्लाह को तलब कर लिया, समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। जावेद कुरैशी के खिलाफ टीवी पर इंटरव्यू क्यों दिया, तहरीक इंसाफ के नज्म एहतसाब कमेटी ने रुकन कौमी असेंबली अहमद हुसैन डेहर को चौकस नोटिस जारी कर दिया, 15 जुलाई को जवाब समेत तलब। मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए सरगर्म, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से 1.5 घंटा तवील मुलाकात, हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर मुशावरत, एनएफसी अवार्ड में किसी भी किस्म की तरमीम को कबूल करने से इनकार, मौलाना जल्द शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से भी मिलेंगे, चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान। कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने वालों से जराए आमदन नहीं पूछा जाएगा, वजीर आजम का बड़ा ऐलान, कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब की सब्सिडी रखी गई है, 5 मरले के घर पर 5% सूद देना पड़ेगा, 10 मरले के मकान पर कर 7% सूद पर मिलेगा। वजीर हवाबाजी के पायलट्स के जारी लाइसेंस का बयान, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, दुबई के बाद अफ्रीकी एयरलाइन का भी एक्शन, अफ्रीकी एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलट्स की नौकरियां खतरे में पड़ गईं, पायलट्स के असनाद और लाइसेंस की तफसीलात तलब, वजारत खारजा और CAA हुक्काम को खत लिख दिया गया। वसीम अकरम प्लस अपने कप्तान से भी आगे निकल गए, तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वजीर आला का जिला, डीजी खान वजीर आजम के जिला मियावाली से आगे, मियावाली में 2 अरब रुपए फंड्स खर्च हुए जबकि डीजी खान में 4,70,00,000 खर्च कर दिए गए। चकवाल में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं, आटा चक्की के इफ्तिताह के लिए मोटर रैली का इनेकाद, ना सामाजिक फासला बरकरार रहा और ना ही किसी ने मास्क पहना, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली सरदार जुल्फिकार अली ने भी कानून तोड़ने वालों में शामिल, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। चैनल की बहाली के लिए इस्लामाबाद में पुरम एहतजाज करने वाले 24 न्यूज के कारकुनों पर फायरिंग को 6 रोज गुजर गए, सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज, कौमी असेंबली से वॉकआउट। केबल ऑपरेटर्स और के इलेक्ट्रिक का मामला हल न हो सका, के इलेक्ट्रिक ने कराची में केबल ऑपरेटर्स के बिछाए गए तार काटने का सिलसिला न रोका, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराइन का कहना है के इलेक्ट्रिक अपने वादों से फिर मुनहरिफ हो गई, आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची करंगी नंबर 5 में फायरिंग से पुलिस अहलकार जख्मी, हमलावरों ने अहलकार को 3 गोलियां मारी, सरकारी अस्तेहा भी साथ ले गए। मुल्तान में छत गिरने से खातून जांबाग, 2 बच्चे और 2 मजदूर जख्मी,
मलबे तले दबे बाकी बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी आलमी यौम आबादी। बढ़ती आबादी के लिए रोजगार, साफ पानी, सेहत और तालीम जैसे बुनियादी मसाइल का सामना। तेजी से फैलती आबादी से शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुजरावाला, लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। कहर की गर्मी में खेतों में हल चलाना हुआ आसान। सिकरण के दो भाइयों ने एयर कंडीशनर ट्रैक्टर तैयार कर लिया। काश्तकार फसल की काश्त के दौरान एसी का मजा भी ले सकेंगे। पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे सुपरस्टार बन गए। अपने फिक्रे पीछे देखो से मशहूर होने वाले अहमद शाह ने यूट्यूब का सिल्वर गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया। अहमद शाह को यह एजाज सिर्फ 5 साल की उम्र में मिला। अहमद शाह ने अपने भाइयों के साथ सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन थामे हंसती मुस्कुराती तस्वीर शेयर कर दी। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जाहिद हुसैन बुखारी एडवोकेट इंतकाल कर गए। जाहिद हुसैन बुखारी लीग के रहनुमा, उस्मा बुखारी के वालिद और साने मॉडल टाउन केस में दरख्वास्त गुजारों के वकील थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। मारूफ शायर कतील शफाई को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। 201 फिल्मों के लिए 900 से ज्यादा गीत लिखे। 1994 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अदाकार महमूद अली की आज 12वीं बरसी है। 1965 में अदाकारी का आगाज किया। खुदा की बस्ती, इंतजार फरमाइए, चच्चा थक्कन, तालीम बालगा समेत लातादाद ड्रामों में फन के जोहर दिखाए। 1985 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और क्लासिकल गायकी की शान उस्ताद सलामत अली खान। शाम 84 घराने के गुलुकार उस्ताद सलामत अली खान को दुनिया फानी से कूच किए 19 बरस बीत गए। उन्हें काफी और ठुमरी की नई जहतों के साथ गाने का शर्फ हासिल था। आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुजरावाला, लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। कहर की गर्मी में खेतों में हल चलाना हुआ आसान। सिकरण के दो भाइयों ने एयर कंडीशनर ट्रैक्टर तैयार कर लिया। काश्तकार फसल की काश्त के दौरान एसी का मजा भी ले सकेंगे। पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे सुपरस्टार बन गए। अपने फिक्रे पीछे देखो से मशहूर होने वाले अहमद शाह ने यूट्यूब का सिल्वर गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया। अहमद शाह को यह एजाज सिर्फ 5 साल की उम्र में मिला। अहमद शाह ने अपने भाइयों के साथ सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन थामे हंसती मुस्कुराती तस्वीर शेयर कर दी। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जाहिद हुसैन बुखारी एडवोकेट इंतकाल कर गए। जाहिद हुसैन बुखारी लीग के रहनुमा, उस्मा बुखारी के वालिद और साने मॉडल टाउन केस में दरख्वास्त गुजारों के वकील थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। मारूफ शायर कतील शफाई को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। 201 फिल्मों के लिए 900 से ज्यादा गीत लिखे। 1994 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अदाकार महमूद अली की आज 12वीं बरसी है। 1965 में अदाकारी का आगाज किया। खुदा की बस्ती, इंतजार फरमाइए, चच्चा थक्कन, तालीम बालगा समेत लातादाद ड्रामों में फन के जोहर दिखाए। 1985 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
और क्लासिकल गायकी की शान उस्ताद सलामत अली खान, शाम 84 घराने के गुलकार उस्ताद सलामत अली खान को दुनिया फानी से कूच किए 19 बरस बीत गए। उन्हें काफी और ठुमरी की नई जहतों के साथ गाने का शर्फ हासिल था। आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।